ये जो है इसको मैं लेके जा रही हूँ, अभी माँ इसको अच्छे से खिला पिला दे रही है। एक्चुअली में क्या है ना, ये लोग अभी बहुत छोटे हैं तो इनको खाना खिलाना पड़ रहा है। एक मंथ के अभी ठीक से नहीं है, मैं बस लेके जाऊंगी आज, अभी वही 5 घंटा को लगेगा, अभी 12 बज रहा है। तो सोच है ऐसा कि मासी के यहाँ रुक के इसको हल्का फुल्का थोड़ा बहुत कुछ पानी वानी पिला देंगे या कुछ फ्रूट्स वगैरह खिला देंगे, क्योंकि 5-5 घंटे का सफ़र। छोटी है अभी ये, तो लेके तो मैं जा रही हूँ, इसलिए क्या डर मेरे को लग रहा है। और मेरा सारा पैक हो चुका है, ये मैं एक बैग लेके आई थी, और बाबू का ब्लैंकेट है, ये खाने पीने का सारा सामान है, ये मेरा लैपटॉप बैग है, और एक वाला बैग है जिसमें बाहर का सामान है। तो इसी तरह निकला हमारा 4 से 5 दिन, 4 दिन ही, इनफैक्ट हम लोग 2 तारीख को आए थे, 2 तारीख को तो खैर ट्रैवल में ही निकल गया, 3, 4, 5 रुके और आज 6 है, तो हम जा रहे हैं। ये ब्लॉग तो आपको काफ़ी लेट मिलेगा, तो इसी तरह खिलाना पड़ता है यार, बैठा के मैं सीखी हूँ, दो दिन में खिलाई भी हूँ। तो हम लोग ना अपना लंच करके जा रहे हैं, बच्चे लोगों को मैं करा दी हूँ, और रास्ते में देखते हैं, मैं बाबू के लिए खाना पकड़ ली हूँ, थोड़ा मोड़ा कॉर्नफ्लेक्स वगैरह सूजी वगैरह, वो अगर रास्ते में खाना है तो खा लेगा। हम लोग को 6:30 का टारगेट है पहुँचने का, तो देखते हैं फिर आगे क्या क्या करेंगे। मॉर्निंग में आपने देखा बाबू का हेयर कट, तो पापा को ना बहुत दिन से शौक था कि कभी भी मेरा बेटा होगा या दीदी का बेटा, बेटा स्पेशली, उसका बाल बाल कटाने का उनको बहुत शौक है, वो खुद ही बहुत शौकीन है इन सब चीज़ों के, तो मेरे को बोले थे, तो इसीलिए मैं उसका अच्छा अच्छा लंबा लंबा बाल कटा के लिए थी। मैं बोलती पूजा की शादी निपटेगी, उसके बाद आपको जो कराना है करा लेना। तो कल जैसे कि सैटरडे हो गया, तो आज पापा बाल बाल कटा के उसका ले आए हैं, और बस इसी तरह निकला हमारा दिन। तो मैं जल्दी जल्दी खाना वाना खा लेती हूँ, फिर हम निकलते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ रास्ते में हमारे साथ आज क्या क्या होता है। बाय 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 बाय। भूले हो क्या? मीना, मीना कहाँ है मीना? ये दे मीना, दिमाग साफ रखियो ना। नहीं मेरे नहीं लगेगा, मास्क चाहिए। हाँ दे रहे हैं, थैंक यू फॉर हेयर स्टाइल, बाय, फिर मिलते हैं। हाँ आना घर, बाय करते हैं, बाय बाय। अच्छा अच्छा आज ट्यूशन नहीं है, देख रहे आज भी है बासी बकाल, पानी खेला मेरा बेटा। तो मौसी का गार्डन क्या है, मौसी अपने गार्डन में हाँ कितना सुंदर दिख रहा है, मेरे घर में हो रहा है अभी मोगरा। कहाँ है मौसी माँ? कहाँ रहा है बोलो? एक ही है ना इसे अरे बुलकी बा बुलकी बा। ये देखो। हाँ। ए हेलो पप के डाकले पप तल के उतर तल के उतर। ले पप तल के उतर। ए ए ए तूने कौन? बोलो नहीं। नानी। ये ले पप। बेटू गिर जाओगे। लगा रहा था मौसी माँ ले गई उसको आधा पैर में लगाया था और आ बेटा धीरे धीरे आ के था ऐसा ना वो है क्या सुनाती थी रानी माँ मेरे को, सुंदरकांड का असर है ये। उतरी भी जाऊ छे कुकुर देख तो सो सो करते नाक साफ। फूल खेलेगा फूल? ए माँ को कांटा है दे देखो उसको भी दे दे जैसे नाम सुनी ना मौसी के यहाँ जा रहे हैं, मेरे लिए तो रोटी बनाने बोल दो, मैं तो रोटी खाऊंगी बोलती है। तब तक उसके पहले तक चिप्स विप्स सब अंदर जा रहा था, फिर चिप्स भी बंद हो गए अंदर जाना। हाँ ये रोट मैं तो रोटी खाऊंगी भाई, मेरे लिए रोटी बोल दो बोलती है।
तो ये जो है मौसी का घर है, उसके जस्ट सामने में यहाँ पे पीपल का झाड़ है जो कि बहुत अच्छा लगता है। मतलब गर्मी में यहाँ बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगता। और 3 फ्लोर है, सबसे ऊपर में मौसा जी जो है यहाँ ट्यूशन वगैरह पढ़ाते हैं इस रूम में, और नीचे बेडरूम है, किचन वगैरह सब है। तो इस रूम में है ट्यूशन्स वगैरह लेते हैं मौसा जी। ये बुआ क्रिकेट, और ये है किचन। ये माँ सही में भाई यही चेंज है एकदम, तो हाथ से टूट जाएगा यार। ये तो ऊपर में है जो अच्छा। हाँ मैं तोड़ रहा हूँ। कैसे छोटा छोटा है लेकिन यार कड़वा मत लगे। ये तो यहाँ पे बड़ा बड़ा। कहाँ बड़ा बड़ा? हाँ उधर तो है। हाँ वो ना वो वाड़ी का इधर है। अरे लेकिन गिरेगा फूट जाएगा ना, मजा नहीं आएगा। तो फाइनली हम लोग जो है मासी के घर से निकल गए हैं, और अभी हम डायरेक्ट टाइम पहुँचेंगे, कहीं नहीं रुकेंगे। छोटा भी खा लिया है, मिठू भी खा लिया, चिप्पी भी खा लिया, सब हम लोग थोड़ा बहुत चाय वगैरह सब ले लिए हैं। तो चलिए छोड़ दे आहन उसको, उसको पिंजरा को खोल दो, खुद से घुस जाएगी। हाँ रुक जा, मैं खोल दे। रखो आप नीचे, रखो आप नीचे, रखो नीचे, रखो उसको जमीन में। और देखो खुद से घुसेंगे वो, छोड़ो छोड़ो। हाँ वो देख चले गई ना। मैं तो प्यार करूंगा। अब नहीं अब नहीं अब नहीं। फाइनली हम जो है घर पहुंच गए हैं, और दीदी लोग निकल गए हैं रायपुर दुर्ग के लिए। श्रीमन की सिस्टर रहती है यहाँ रायपुर में, तो वो पूरा नाश्ता वगैरह का इंतजाम करके रखी थी। तो नानी मेरे को भी बोली छतू भी कर ले उसके बाद घर जाना करके। तो यार रायपुर पहुँचने के बाद अपने घर नहीं पहुँचो तो फिर नहीं होता, और 6-7 घंटे का सफ़र था, उसी कारण मैं बोली नहीं मैं और कभी चली जाऊँगी। तो दोनों बच्चे मेरे खाना खा लिए जैसे कि आपने देखा। तो मैं ना अभी के ब्लॉग को यहीं पे करती हूँ एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो जो मासी है वो सराईपाली में रहती है, जो आपने पहले वीडियो देखा होगा, मैं बताना भूल गई थी। हम डायरेक्ट पहुँच गए थे क्योंकि जीजू के साथ ना थोड़ा सा मैं कंफर्टेबल नहीं रहती ब्लॉगिंग के टाइम पे, उसे मैं जल्दी से फ़ोन नहीं निकालती। तो इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड, मिलती हूँ जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बाय।